अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ मीनू सनी चैनल के साथ हूँ, हाजिर हूँ। मैं आज आपके लिए नई क्लास नई डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि इस तरह से ये डिज़ाइन बनता है, ठीक है? तो प्लीज़ आप अगर चाहें तो मेरे साथ साथ ट्राई कर सकते हैं, और अगर नहीं तो मेरी वीडियो बार बार वॉच करें और बार बार आप इसको ट्राई करें, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको आज के क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि फुट मींस पाम, फुट के जो साइड पे डिज़ाइन बनता है यानी लाइनिंग वाली बे, वो किस तरह से बनाई जाती है। तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ, आप लाइन ड्रॉ करेंगे जो पाम का नीचे वाला हिस्सा होता है, बल्कि साइड पे जो नीचे वाला हिस्सा होता है, साइड के जो ये नीचे वाला हिस्सा रहता है, इसके यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? फुट का मैं बता रही हूँ, ये एक लाइन। मेरा थोड़ा सा टेबल जो है वो अनबैलेंस्ड है, के फोर लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं। मिड वाली टू लाइंस में आपने फिल कर देना है। सही हो गया? तो ये तो आपके फुट का नीचे वाला हिस्सा, यहाँ तो आप डिजाइन नहीं बना सकते। तो जो इधर ऊपर वाला हिस्सा है, इस पे आप डिजाइन बनाएंगे, ठीक है? तो अब मैं आपको डिजाइन बनाना बताती हूँ। पहले हमने ये लाइन्स ड्रॉ की हैं, इसके बाद ऊपर ये छोटे छोटे यू शेप में ये बनाएंगे, ठीक है? मेरे इस चैनल पर सिर्फ मेहंदी क्लासेस नहीं हैं, कुकिंग का भी है, लेकिन मेरे पास टाइम की शॉर्टेज होने से बिजी टाइम गुजर रहा है आजकल, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही कुकिंग की। लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे कुकिंग की वीडियोस शेयर करूंगी। हाँ जी, तो ये पहले बनानी है, ठीक है? इसके बाद हम ऊपर हार्ट शेप की पत्तियां बना देंगे। ये हो गया। इसके बाद आप ऊपर चाहे तो एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, ठीक है? ये टू लाइंस ये ड्रॉ करें। अच्छा, जो आपने हार्ट शेप वाली बनाई होंगी, इसके अंदर आप ये साइडों से इसको फिल कर देंगे, ओके? ये आप देख रहे हैं, इसको फिल कर देंगे। और जो ये है हार्ट शेप वाली पत्तियां, इनके अंदर आप ये चाहे तो लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे तो आप इसमें लाइंस ड्रॉ करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने ऊपर फिल कर दिया है। तो अगर आप यहां से इसको फिल करेंगे तो ये हार्ट शेप की ये लाइन खत्म हो जाएगी, तो इस तरह से डिजाइन समझ में नहीं आएगा, ठीक है? फिर आप चाहे तो इसके ऊपर इस तरह से ये केरियां बना सकते हैं, इस तरह लहदा भी बना सकते हैं, चाहे तो इसके साथ ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है? बन गई हैं।
इसी के साथ आप चाहे तो एक और जितना आपने चौड़ा करना है डिज़ाइन आप उतना चौड़ा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब अगर आपके ये फुट के यहाँ साइड पे इतना अगर चौड़ा आ जाता है कि फुट ऊपर से यानी 3-4 इंच छूट जाता है, बस ठीक है, आप इस साइड पे भी डिज़ाइन बनाएं और इस साइड पे भी ये डिज़ाइन बनाएं, ठीक है। ये फुट का डिज़ाइन है, मैं आपको फुट के साइड पे जैसे डिज़ाइन बनाते हैं वो बता रही हूँ। ये आप फुट के साइड पे भी बना सकते हैं, अपनी कलाई पे भी बना सकते हैं। जब आप दुल्हन मेहंदी लगाते हैं तो उनकी कलाइयाँ फिल करने के लिए हमें कुछ डिज़ाइन चाहिए होते हैं, तो ये आप उनकी यहाँ कलाइयों पे भी बना सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी डिज़ाइंस हैं, आप लोग प्लीज़ अगर वॉच करते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं हर वीडियो में आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट्स किया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस में क्या मुझे क्या ऐड करना है, क्या जो चीज़ है आपको समझ में नहीं आ रही मुझे वो चीज़ नहीं ऐड करनी, यानी जो भी मुझे अपनी वीडियो में एडिट करना है मैं आप लोगों को वो बता सकती हूँ, ठीक है। फर्स्ट डिज़ाइन तो हमारा ये हो गया है, सेकंड डिज़ाइन मैं आपको फुट का ही बता देती हूँ, ठीक है। सेकंड डिज़ाइन में भी आप इसी तरह से एक नीचे वाली साइड पर लाइन ड्रॉ करेंगे, दो ड्रॉ कर लें, ठीक है, ऐसे से दो ड्रॉ करने के बाद आप इसके ऊपर ऐसे सही बनाएंगे, ठीक है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। फिर इसके अंदर ये ऐसे से बना लें। अब आप चाहें तो इसके ये भी फिल कर सकते हैं, यानी ऊपर वाली साइड, और अगर आप चाहें तो सिर्फ ये अंदर वाला फिल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, आपको जिस तरह से अच्छे लगे आप उस तरह से इसको फिल करें, ठीक है। ये करने के बाद अगर आप ये ऊपर वाला पोर्शन फिल करते हैं तो फिर आपको इसके बाहर एक और आउटलाइन देनी होगी। अगर आप ये नीचे वाला पोर्शन फिल करते हैं तो फिर आपको आउटलाइन बाहर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप आउटलाइन देते भी हैं नहीं भी देते, मैं आपको नेक्स्ट डिज़ाइन बता देती हूँ, नेक्स्ट स्टेप बता देती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या रखना है। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे ये वाली राउंड सर्कल वाली केरी बनाएंगे, इसके ऊपर ऐसे एक और राउंड देंगे और ये हम फ्लावर को यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। चाहे तो हार्ट शेप वाला फ्लावर बनाएं, ठीक है। इसी तरह ये एक छोड़कर एक में फिर आप ये बना देंगे, चाहे तो ये आप हार्ट शेप वाला फ्लावर बना लें, चाहे तो आप ये यू शेप वाले फ्लावर्स बना लें, जैसे आपको इजी लगे। किसी में भी आप अगर इसमें चाहें तो आप फिलिंग नहीं, आप इस तरह के वो बना सकते हैं। ये आपको मैं हिंदी से बताऊंगी कि ये किस तरह से बनाने हैं आपने, ठीक है। और इसमें आप चाहें तो लाइनिंग कर सकते हैं, चाहे तो इसको ये हाफ सा शेड दे सकते हैं फिलिंग का, ओके। मैं एक ही उसमें आपको एक ही फ्लावर में आपको मैं 3-4 डिज़ाइन बता देती हूँ फिलिंग के, ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो और ना ही मेरा टाइम वेस्ट हो। ऐसा ना हो कि आप भी मेहंदी लगाने बैठे तो आप भी एक फ्लावर में यानी आप इस तरह के शेड दे रहे हो, हाँ भाई एक को लाइनिंग कर दिया एक हाफ फिल कर दिया, ऐसे मत करिएगा, जो आपका मेहंदी लगवाने वाला कस्टमर होगा वो भाग जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा केयर करिएगा, मेरी तरह मत कर दीजिएगा। ये तो मैं आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए कर रही हूँ, तो सारे फ्लावर्स में एक जैसा ही करिएगा, ठीक है। अगर लाइनिंग डाल रहे हैं तो सब में लाइनिंग करिएगा, अगर आप फिलिंग कर रहे हैं तो सब में ही फिलिंग करिएगा, ठीक है।
मैं इस वजह से बताती हूँ ताकि ना कि आपका टाइम वेस्ट हो ना कि मेरा टाइम वेस्ट हो। ओके चलें अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड डिज़ाइन क्या है इसका? थर्ड डिज़ाइन में भी आप इसी तरह चाहें तो नीचे फुटी के साइड्स पर लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, या आप कलाई पे भी बना सकते हैं। जैसे आप हाफ स्लीव्स पहनती हैं दुल्हने, जो ब्राइडल्स हैं मोस्टली हाफ स्लीव्स पहनती हैं, तो हाफ स्लीव्स जब पहनेंगी तो जहाँ तक स्लीव्स है वहाँ पे भी आप ये डिज़ाइन बना सकती हैं, से अराउंड में करके बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी आप दुल्हन के जो है हाफ स्लीव्स के बाद नीचे राउंड पे ये बना सकती है ना, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसमें मैं आपको बिल्कुल नाजुक सी बारीक सी के बताऊंगी डिज़ाइन, बस ये आपको बनाने हैं, ठीक है, इस तरह से। ये बहुत नाजुक सा डिज़ाइन बता रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सही है, बिल्कुल मैंने नाजुक सा सिंपल सा डिजाइन बताया है ताकि कुछ होते हैं लोग कि उन्हें बिल्कुल सिंपल सा डिसेंट सा अच्छा लगता है, तो ये वो बताया। ठीक है, अब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में मेहंदी पकड़ना, उससे लाइनिंग बताना करना आपको बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास मेरी मिस मत करिएगा, ज़रूर वो क्लास मेरी देखिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।